एक फरियादी है जिनके साथ में विगत 9 तारीख से कॉल आना शुरू हुए थे। कॉल आने के बाद में उन्होंने जब अटेंड किया तो उनको बताया गया कि आपके जो बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ, इलीगल ट्रांजैक्शन हुआ, जो कि नरेश गोयल के खातों में गया हुआ है और उसकी जांच चल रही है। हम लोग सीआईडी दिल्ली से हैं और हम इसकी जाँच कर रहे हैं। उसके बाद में जब उनने महिला ने पूरी बातचीत करके उसको बताने का प्रयास किया कि इस तरीके से नहीं, तो उनको व्हाट्सएप पे कॉल लेके पूरा सेटअप जैसा डिजिटल एस की बताते हैं वो सेटअप में आए, वर्दी में आए, सब कुछ बताया। उसके बाद में स्काइप डाउनलोड करके उनको डिजिटल अरेस्ट करा और डिजिटल अरेस्ट करने के बाद में उनको कंटिन्यू प्रेशराइज किया कि आपके जितने पैसे हैं लिक्विडेट करें, अकाउंट से पैसे निकालें, एफडी तोड़वाएं और वो हमारे उनके द्वारा बताए गए खातों में ट्रांसफर करें। महिलाओं के द्वारा वो पूरा उसको फॉलो किया गया और पैसा फर्जी खातों में ट्रांसफर किया गया। लगभग 1 करोड़ 60 लाख की राशि आई है अभी तक सामने। महिला के ऊपर मान कितने दिन तक ये दिखाई 9 तारीख से शुरू हुआ था और 3 दिन पहले मतलब 22-23 तारीख तक वो अभी भी कंटिन्यू, उनके पास में अभी भी डिमांड आई कि बाकी चीजें हैं वो भी करते रहे। सर महिला भूमिका यही की इंदौर की महिला कुछ खाते वाते चीज किए गए खाते के लिए सीज हो गए हैं वो, बाकी हम लोग उनको रोकने का भी प्रयास कर रहे हैं कि पैसा जहां जहां गया है और नीचे के लेवल पे जहां जहां तो गया है। बताया जा रहा है कि बदमाशों द्वारा महिला को जेल भेजने की धमकी भी और डिजिटल दी अरेस्ट में वही रहता है, डिजिटल अरेस्ट में वही रहता है कि भले भले जो लोग हैं जो कि कानूनी प्रक्रियाओं से वाकिफ नहीं है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट कोई कानूनी शब्द ही नहीं है, उनको कानूनी प्रक्रियाओं से और कानूनी शब्दावली से परिचित नहीं है, उस तरीके से उनको डरा धमका के गई। महिला के करके द्वारा 1 करोड़ 60 लाख रुपए किस तरह खाते में डाले गए या किसे ट्रांसफर उनके किए गए। पास में एफडीज थी, कुछ कुछ उनके इन्वेस्टमेंट थे, उनको उन्हें बैंक में जाके तोड़ा और बाकी जगहों से उनको लिक्विडेट करवा के ट्रांसफर कराया। सर बैंक में जाके कहते हैं कि क्या वीडियो कॉल चालू है। वो चालू रहता है स्काइप, ऑनलाइन स्काइप चालू रहता है। सर महिला ने आपके द्वारा मतलब आपको किस प्रकार शिकायत करी थी, कैसे महिला आई हो, क्या बताया था उसके नाम वो आपको। महिला आई अपने किसी परिचित के साथ में और उन्होंने बताया कि इस तरीके से मेरे साथ में घटना घटित हुई है।